अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ गुजराती रेसिपी ढोकला, जिसे खाना हर कोई पसंद करता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में एक कटोरी ले लिया है बेसन। इसमें हाफ टेबल स्पून ऐड कर देंगे टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी और सॉल्ट। इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर लें और इन सभी पाउडर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितने की इसमें गुठलियाँ हैं सब आपस में मिक्स हो जानी चाहिए। और फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी बिल्कुल से एकदम ऐड नहीं करना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। उसे मिक्स करते जाना है जिससे कि इसमें लम्स ना बने और एक लम्स फ्री बैटर रेडी करना है। तो इस पानी में मैंने सैट्रिक एसिड की एक चुटकी पाउडर मिक्स किया था जिससे कि ये ढोकला बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा। अगर आपके पास है तो आप डालें वरना स्किप कर दें। और इसके बाद ये देखिए इस तरह से मैंने मिक्स किया। इसमें मुझे हल्दी थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने हल्दी थोड़ी सी और ऐड की है और यहाँ पर एक चुटकी चीनी ऐड की है। चीनी ऐड करने से इसका टेस्ट बिल्कुल गुजराती ढोकले जैसा आता है। तो ये इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। तो आप लोग ज़रूर से इस तरह से ये रेसिपी ट्राई करिएगा और फिर अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए एक साइड ढककर रख दिया था और इस तरह से एक लाइट वेट बाउल में इस तरह से उसे ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बेकिंग वाले टिन है तो आप उसका यूज़ करें। और यहाँ पर 15 मिनट हो गए थे, अब इसमें हम ऐड कर देंगे इनो का एक शैसे। इनो डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा एक टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे जिससे कि ये एक्टिवेट हो जाएगा और हमारे ढोकले बहुत ही स्पॉन्जी बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने जैसे ही पानी डाला इसमें इस तरह से झाग ऊपर हुआ और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इनो ऐड करने के बाद हमें बिल्कुल भी इसे देर नहीं करनी है स्टीम में रखने के लिए। तो यहाँ पर टिन हमारा रेडी है, इसमें हम ऐड कर देंगे ये सारा बैटर। देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा रनी ना ज़्यादा थिक। अगर रनी होगा तो आपका ढोकला स्पॉन्जी नहीं बनेगा और अगर थिक हो जाएगा तो फिर ढोकला अंदर से जूसी नहीं होगा, बिल्कुल ड्राई होगा। तो इस तरह से इसे टैप टैप कर देना जिससे कि अंदर जितनी भी एयर हो वो अच्छे से वो हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए। पानी जब बॉयल होने लगेगा, अंदर एक स्टैंड रखा है इस तरह से और ढोकले के बर्तन को रख कर ढक देंगे। और 20 मिनट से पहले इसे खोलकर चेक नहीं करना है, फ्लेम लो रहेगी। बीच में आप मीडियम फ्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर इसका हम तड़का रेडी कर लेते हैं। तड़का पैन में मैंने ऐड कर दिया है। टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स के क्रैकल होते ही इसमें हम 4 से 5 ग्रीन चिली, आपको ग्रीन चिली जितना तीखा पसंद हो तो आप उस हिसाब से इसमें ऐड कर दें। और इस तरह से देखिए वाइट से पैचेस आ गए हैं ग्रीन चिली पर। अब हम इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे पानी। लेकिन अगर आपके पास करी लीव्स हैं तो इसी पॉइंट पर पानी डालने से पहले आप करी लीव्स भी डाल सकते हैं। करी लीव्स के बिना तो ढोकला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बट मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया। आप ज़रूर से ऐड करें। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दी है चीनी। और बस इस तरह से देखिए इसको अच्छा सा हमें उबाल आने देना है। जब ये उबाल आ जाएगा तब ये हमारा शीरप बनकर रेडी हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून से कम सॉल्ट ऐड किया था। सॉल्ट डालते वक्त ध्यान रखना कि हमने बैटर में भी सॉल्ट ऐड किया है, तो इस वजह से हमें सॉल्ट की क्वांटिटी को ध्यान में रख कर ही ऐड करना है। इस तरह से बॉयल आने देना है, हमें कोई चाशनी नहीं तैयार करनी है, कोई चिपचिपी चाशनी नहीं होगी। बस इस तरह से सिंपली बॉयल आएगा और एक शीरप बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ढोकला बिल्कुल गर्मा गर्म है। बस गर्म गर्म ढोकले में ही हमें गर्म हम ये शीरप ऐड करना है, तभी हमारे ढोकला बहुत ही स्पॉन्जी होगा। इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है इसकी जिस शेप में आप चाहें। और इसके बाद ये देखें मैंने इस पर ये सारा शीरप इस तरह से पोर कर दिया है, तो इससे ढोकला बहुत स्पॉन्जी बनकर तैयार होगा। फ्लेम को ऑफ किया तो शीरप में मैंने 1 लेमन जूस ऐड कर दिया है, पूरा 1 लेमन जूस। और उसके बाद इस तरह से ढोकले पर पोर कर दिया है। देखिए कितना यम्मी और स्पॉन्जी ढोकला लग रहा है। आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।